सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए। उसको समझने के बाद फिर आप कर्म बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने मुखारविंद से जो उच्चारित वाणी में क्या कहा, ये देखिएगा। ये है पवित्र कबीर सागर 11 संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित। कबीर सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मार्ग बंबई से। इसमें आपको दिखाते हैं बोध सागर, ये देखिएगा बोध सागर 137 पृष्ठ पर, ये कंटिन्यूस 1001 पृष्ठ है। और वैसे बोध सागर, कबीर वाणी, बोध सागर और पृष्ठ नंबर 136 पर कबीर वाणी बोध सागर, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। कहती है 12 पंथ काल ने कहा था मैं 12 पंथ आपके नाम से चलाऊंगा और कबीर और पूर्ण परमात्मा की महिमा गाओगे, नाम गलत देंगे, सचलोक सचखंड की महिमा गाओगे, नाम गलत देंगे, वो काल के मुंह में रह जाओगे। द्वादश पंथ काल फुरमाना, काल का फुरमान है, काल की काल का ही ज्ञान है, उसी का नाम है। भूले पंथ ना जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा, प्रथम जग में जागो भरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। इसमें जागो पंथ, एक गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ और फिर पंथ टकसार पंथ और पंथ ये बीज, चौथा पंथ बीज को लेखा और छठवां पंथ सतनाम सतनामी पंथ और सातवां पंथ जीवा का पंथ, आठवां राम कबीर पंथ और ये नौवां है वैसे ज्ञान की काल का भेद, जीव ब्रह्म पंथ है, दसवां परम धाम की वाणी भेद। अभी यहाँ इसका क्लियर यहाँ किया है इन्होंने, यहाँ देखिएगा बोध सागर और कबीर चरित्र बोध, इसके ये यहाँ लगातार हैं 1870 पृष्ठ पे, या नीचे देखिएगा, यहाँ लो चार गुरु और 42 वंशों का लेखा लग चुका है। इनके अतिरिक्त कबीर साहब के 12 पंथ और भी कबीर पंथी ही कहलाते हैं। कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत, प्रथम नारायण दास का पंथ, ये प्रथम नारायण दास का गलत लिखा है उन्होंने, वो चूड़ामणि का पंथ अभी दिखाएंगे आपको, और यागोदास जी का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ और कमालीय पंथ यानी कमाल कमाल का पंथ, कमाल कमालीय जैसे गरीबदासी बोलते हैं गरीबदासीय पंथ, तो कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, जीवा का पंथ और गरीबदास पंथ। जिस गरीबदास पंथ से हम आए हैं अलग से, इस गरीबदास पंथ तक भी कहते हैं ये काल के ही जाल में हैं। अब फिर आइए यहाँ पर, अब यहाँ से समझ में आओगा अच्छी तरह आपका, ये देखिएगा, ये है कबीर वाणी और बोध सागर, वो कबीर चरित्र बोध था, बोध सागर का ही अंश, इसके 136 पृष्ठ पे है 12 पंथ, अब आराम आसानी से समझ में आओगे। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा। ये प्रथम वंश चूड़ामणि है, यहाँ इन्होंने जो 1870 पृष्ठ पे 1870 पृष्ठ पे कबीर वाणी में कबीर चरित्र बोध में ये गलत लिख दिया। ये नारायण दास तो वैसे ही अलग हो गया था, भगवान से बिल्कुल विपरीत था, तो सीधा ही कृष्ण पुजारी था,
तो यहाँ चूड़ामणि का पंथ होना चाहिए। दूसरा यज्ञोदास ठीक है, तीसरा सूरत गोपाल भी ठीक से, मूल निरंजन की वाणी भी ठीक है। ये देखिएगा, अब फिर देखिए 136 पृष्ठ पर कबीर वाणी में, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा। ये प्रथम पंथ होना चाहिए था, गलत लिखा इन्होंने, थोड़ा फिर बदल कर दिया। प्रथम जग में जागू भरमावे, बानी भेद वो ग्रंथ चुरावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। अब जागूदास का पंथ ये यहाँ अपने 1870 पर जो देखा, ये जागूदास को चाहिए, यागूदास का पंथ, फिर सूरत गोपाल पंथ, मूर निरंजन पंथ, ये ऐसे हैं। प्रथम जागूदास का पंथ, दूसरा सूरत गोपाल का पंथ, तीसरा मूल निरंजन पंथ, चौथा टकसार की वाणी पंथ, और पांचवा, ये पांचवा है, ये पांचवा होना चाहिए, और छठा है, इन्होंने पांचवा लिखा है, यो यहाँ पर छठा इन्होंने लिखा है, भगवान दास का पंथ है छठा, भगवान दास पंथ, और सातवा है सतनामी पंथ, आह, और ये आठवा है, इन्होंने सातवा लिखा है, ये जीवा पंथ, और नौवा राम कबीर पंथ, यहाँ देखो, आह, ये नौवा राम कबीर पंथ, दसवा परम धाम की वाणी पंथ, ग्यारहवा जीवा पंथ, और बारहवा गरीबदास पंथ। हम अपना निष्कर्ष पर आते हैं, ये राम कबीर पंथ भी आ लिया, अब इन्होंने दसवां लिखा है, ये ग्यारहवा है परम धाम की वाणी पंथ। अब ये बारहवा पंथ शुरू होता है, कहते हैं ये बारहवा पंथ यहाँ से शुरू होता है, संवत 1775 हुई, ये संवत 1774 है, कभी गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था, और इन्होंने 75 गलती से लिखा गया है, संवत 1774 हुई, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब हम ये कबीर वाणी पढ़ रहे हैं, कबीर जी के मुखारविंद से उच्चारित 137-136 पृष्ठ पे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। ये गरीबदास पंथ के विषय में बोल रहे हैं, और बर में पंथ प्रगट हो बाणी, ये बर में पंथ चल रहा है, कहते इस बर में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा पुनः उसके द्वारा परमात्मा कहे, मैं उनको दोबारा अपना ज्ञान दूंगा, जो कबीर के सागर में कबीर वाणी में कबीर पंथी नकलियों ने कुछ थोड़ा बहुत भेद फेर बदल कर दिया, तो गरीबदास जी के द्वारा सुचारू करवा दिया भगवान ने, कबीर जी ने। बर में पंथ गरीबदास के पंथ में संवत 1774 में जो प्रगट हुए, प्रगट हो वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये बारह पंथ हम ही को जावे। कहते गरीबदास पंथ तक के मेरी महिमा की वाणी का अर्थ लगावेंगे, लेकिन समझ नहीं पावेंगे, यथार्थ ज्ञान नाम उनको मिलेगा नहीं। कहते हैं अस्थिर घर का मर्म ना पावे, बार में पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी वाणी प्रगट होगी गरीबदास के माध्यम से, और ये शब्द हमारे की निर्णय ठानी, जो कहेंगे निर्णय कुछ निकालना चाहेंगे, अर्थ गलत लगा लेंगे, अस्थिर घर का अमर बना पावा, ये सतलोक नहीं जा सकते, वो अमर लोक को प्राप्त नहीं हो सकते, और ये बारह पंथ हम ही को जावें, कबीर पंथ कहेंगे, लेकिन ठीक उनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाओगा। फिर क्या कहते हैं, बार में पंथ हम ही चल आवें, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं गरीबदास के पंथ में आगे चल के, वो तेरमा अंश रूप में कहते हैं बर में पंथ हम ही चल आवें, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें, तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। धर्मदास जी को कह रहे हैं परमात्मा कि तब तक तुम इस यथार्थ ज्ञान को बताइयो ना किसे ते, बाकी मेरी महिमा जरूर गाता रहना। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। कलयुग का जो प्रथम चरण होगा वो समझना कि मैं मगहर से सहशरीर चला जाऊंगा, वो प्रथम चरण होगा। तीन चरण बताए हैं कलयुग के, अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, प्रथम चरण जा चुका है,
और कहते हैं धर्मदास से मांडो बाजी तब धर बौद्धो पंडित का जी, 52 वीर कबीर कहाऊं भव सागर में जीव मुक्ताऊं। यहां देखना, धर्मदास मोरी लाख दोहाई मूल शब्द बार जी न जाई बाहर ना जाई। यहाँ क्या कहते हैं कबीर परमेश्वर, धर्मदास तो तुझे लाख दुआई है कि अभी इस मूल ज्ञान को, मूल शब्द यानी सार शब्द को कोई बाहर ना बताना, और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा करते रहो, मूल ज्ञान गोई तुम रखो। इस तत्व ज्ञान को जो मैंने तुझे समझा दिया इसको अभी गुप्त रखना, लिख दे सारा तुम इसमें, तो इसको समझाना ना किसी को, क्योंकि परमात्मा की रजा बिना कोई समझ नहीं सकता इन वेदों को। ये तो 5वां वेद सूक्ष्म वेद है जो हम पढ़ रहे हैं। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त तुम रखो, गोई तुम रखो, मूल ज्ञान जो बाहर पर ही और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब बिचली पीढ़ी है जिसमें हंस सब तर जाएंगे जो शरण में आगे, कि उन नकलियों के पास यू ज्ञान चला जाता तो इस बिचली पीढ़ी में हम कैसे भेद बताते और कैसे समझाते इन प्यारी आत्माओं को। कबीर परमात्मा जी कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम रखा, गुप्त रख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अपने आत्माओं, अब ये तो 12वें पंथ तक बता दिया परमात्मा ने कि 12वें पंथ में हम ही आओगे जो 13वां अंश होगा। अब देखना 13वें अंश के बारे में इसी, ये देखो कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे बोध सागर में वंश प्रकार क्या बताते हैं। प्रथम वंश उत्तम, ये तो चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। दूसरा वंश अहंकारी, ये जागुदास के बारे में कहा। तीसरा वंश प्रचंड, ये यहाँ सूरत गोपाल पंथ के बारे में कहा है जो उसका प्रमुख था। और चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवा वंश ज्ञान चतुराई, और आठवें द्वादश पंथ विरोध, ये उस नारायण ज्ञान चलाओगा अपना। और नौवें वंश पंथ पूजा, दसवें वंश प्रकाश, और ग्यारहवें वंश प्रकट सारा, बारहवें वंश प्रकट हो उजियारा। यानी बारहवें पंथ में, ग्यारहवें पंथ में प्रकट पसारा, यानी वो केवल ऐसे अपना पंथ पंथ बढ़ा देगा, ज्ञान इनके पास कुछ नहीं होगा। अब कहते हैं बारहवें पंथ प्रकट हो उजियारा, बारहवें पंथ यानी गरीबदास जी के माध्यम से अपनी वाणी का उजियारा करवाओगे। अब गरीबदास जी की वाणी में ज्ञान सारा लिखा हुआ लेकिन निर्णायक नहीं है, और कबीर जी की महिमा भी बहुत कुछ लिखी है लेकिन निर्णायक नहीं है। तो यहाँ कहा कि बारहवें पंथ प्रकट हो उजियारा, यानी कुछ कुछ मेरी महिमा का उसमें प्रकाश होगा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओहो, अब ये 13वां वंश, ये दास आपके समक्ष है, कहते उसके 13वें वंश के द्वारा ये सब अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान, ये नौमण सूत जो उलझा हुआ है वो कति सुलझ जाएगा। एती दगा काल की समाई फिर भी तत्व बिंदु की टेक रह जाई। कहते काल इतना जुल्म करेगा, इतना भ्रमित कर देगा तो भी ये तत्व छुप नहीं सकेगा। अपने आत्मा, अब ये कति निखार हो गया। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं नौमण सूत उड़ जिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुड़ जाए दे उड़ जरा दूजी बार। इस कलयुग में अध्यात्मिक ज्ञान ही समाप्त नहीं होगा, वो दूसरी बात है, जो भक्ति ना करेंगे लास्ट में नास्तिक हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान में कोई कमी नहीं रहेगी। अपने आत्माओं, परमात्मा क्या बताते थे, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं।